लास्ट वीक ऑन फ्राइडे गोल्ड मेड लो एट 1810 लेवल, सेम $10 अप और डाउन नियर साइकोलॉजिकल लेवल, बट मेन क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन नेक्स्ट आफ्टर रिटेस्टिंग दिस मेजर सपोर्ट लेवल विच केम आफ्टर फेड फोरकास्ट ऑफ 50 बेसिस पॉइंट। नाउ सेम ड्रामा सिंस जून FOMC मीटिंग, इन पास्ट इट वॉज 2 रेट हाइक, नाउ दिस इज 1 रेट हाइक। सो आफ्टर स्ट्रॉन्ग NFP नंबर लास्ट वीक, मोर देन 2 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन नंबर, देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ 1 मोर रेट हाइक, विच कैन बी इन नवम्बर और दिसंबर, बट 1 मोर रेट हाइक दिस ईयर इन 2023। एंड H4 टाइम फ्रेम, दिस एरिया नियर 1800 इज योर सपोर्ट जोन, बट नेक्स्ट रजिस्टेंस इज नियर 1860, दिस इज योर फर्स्ट नियरेस्ट रजिस्टेंस, करेक्शन हैज बिगिन, यू कैन एक्सपेक्ट 1 मोर साइडवे रेंज एंड इन अपकमिंग टाइम रिटेस्ट ऑफ 1860, बट आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 1860 देन वी विल डिसाइड वेयर गोल्ड विल गो, बट फॉर क्लियर ट्रेंड रिवर्सल यू नीड क्लियर ब्रेकआउट अबव दिस रजिस्टेंस जोन स्टार्टिंग फ्रॉम 1860। सो दिस NFP वॉज लास्ट बिफोर FOMC मीटिंग, इट कन्फर्म 1 मोर रेट हाइक, एंड दिस वीक ऑन October 12 यू हैव CPI न्यूज। इफ CPI कम हाई सेम लाइक NFP, देन 1 मोर रेट हाइक विल कन्फर्म 100%। बिफोर दैट यू हैव 2 मोर न्यूज, PPI एंड FOMC मिनट। सो सेम लाइक लास्ट टाइम, इफ NFP वॉज स्ट्रॉन्ग देन CPI मस्ट स्ट्रॉन्ग एंड PPI मस्ट बी स्ट्रॉन्ग टू, एंड इफ दिस थिंग हैपन दिस वीक देन फेड कैन रिपीट 1 मोर रेट हाइक इन FOMC मीटिंग। सो अंटिल दीज न्यूज कम एंड कन्फर्म वाट विल हैपन नेक्स्ट, 1860 लेवल विल नॉट ब्रेक, एंड दैट जुलाई FOMC मिनट, इफ यू रिमेंबर 1884 बॉटम, सेम लाइक लास्ट वीक गोल्ड वॉज कलेप्सिंग, इमिडिएटली आफ्टर दैट PDF इट मेड बॉटम, बट इन दैट PDF इट वॉज क्लियरली रिटन दैट जुलाई FOMC मीटिंग वॉज लास्ट रेट हाई, बट सिंस एंड ऑफ ब्लैकआउट पीरियड मैनी FOMC मेंबर एंड नाउ NFP न्यूज कन्फर्म 1 मोर रेट हाइक। सो अंटिल देर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ 1 मोर हाइक, गोल्ड कैन नॉट गो बैक टू 1884, एंड इफ यू सोल्ड एट 1810 लेवल देन मंडे इज US हॉलीडे, आई डू नॉट एक्सपेक्ट एनी बिग एक्शन, एंड बिफोर यू सी CPI न्यूज दिस वीक एंड डिसाइड नेक्स्ट मॉनिटरी पॉलिसी डिसीजन, एंड ऑन फ्राइडे योर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एंड कंज्यूमर सेंटिमेंट, आई थिंक दीज टू न्यूज हैव 0 वैल्यू दिस वीक, बिकॉज रीजन बिहाइंड दिस वर्टिकल कलेप्स एंड इट वॉज डाउन इन अगस्त मंथ, इट वॉज हायर ऑयल प्राइस, एंड आफ्टर दिस न्यूज देर इज नो रीजन टू बाय ऑयल एंड टू गो ऑयल एट 120 लेवल। ऑल द रीजन विच सेंड CPI अप 2 टाइम्स एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हाई, नाउ दोज आर गोन, बट यू डोंट वरी, आफ्टर CPI एंड FOMC मिनट दिस वीक देर विल बी क्लियरिटी दैट 1860 लेवल विल ब्रेक आउट और नॉट। एंड डेली टाइम फ्रेम,
क्लियर सपोर्ट एंड रजिस्टेंस, बिग बन 1807, बिकॉज आफ्टर लास्ट टाइम वेन आई सेड अवर दिस लेवल, नाउ एवरीबडी नो अवर दिस लेवल, डेट्स वाई इट डिड नॉट हिट 1807 ऑन फ्राइडे, एंड रजिस्टेंस 1858, देन 1885, एंड दिस मोमेंट कैन बी ओवरसोल्ड RSI एंड टेक्निकल, बट फंडामेंटल आर नॉट क्लियर, बिकॉज इन लास्ट SEP फेड फोरकास्टेड 50 बेसिस पॉइंट रेट कट, इफ देर इज अ सिंगल रेट कट देन इट विल बी दिसंबर नेक्स्ट ईयर, इफ दे आर 25 टू रेट कट देन इट विल हैपन इन नवंबर, बट अंडर बोथ कंडीशन देर विल बी नो रेट कट बिफोर सेप्टेम्बर 2024, एंड अकॉर्डिंग टू US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, गोल्ड इज स्टिल एक्सपेंसिव, एंड नॉट जस्ट देयर 50 बेसिस पॉइंट रेट कट फोरकास्ट, नाउ देयर इज वन मोर रीजन, एडिशनल 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक, सो डाउट ऑन ब्रेकआउट अबव 1860, एक्सेप्ट दिस सिंगल न्यूज चेंज एवरीथिंग ऑन मंडे. वीकली टाइम फ्रेम, कैंडल लुक्स लाइक ए हैमर, नॉट ए परफेक्ट, एंड दिस ट्रेंड लाइन इज योर ओनली मेजर रजिस्टेंस लेवल, नो स्टैटिक बट डायनेमिक रजिस्टेंस लेवल. मंथली टाइम फ्रेम, योर ट्रिपल टॉप स्टिल वर्किंग, इफ फेड डू सेम एज करंट मार्केट कंडीशन, वन मोर 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक दिस ईयर एंड ओनली 50 बेसिस पॉइंट रेट कट नेक्स्ट ईयर, देन अकॉर्डिंग टू US 10 ईयर बॉन्ड यील्ड, गोल्ड हैज टू गो डाउन, एंड दिस कैन बी योर लॉन्ग टर्म इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न टेस्टिंग 1676 लेवल. सो मंथली टाइम फ्रेम हैव ओनली वन साइकोलॉजिकल सपोर्ट 1800, आफ्टर दैट नो सपोर्ट बिफोर 1676. H1 टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे स्कैल्पर, आई अपडेटेड दिस चार्ट पैटर्न ट्राइंगल बिफोर इट वॉज स्टार्टेड एंड बिफोर प्राइस गोज अप आफ्टर रिटेस्टिंग दिस लोअर ट्रेंड लाइन. सो दिस वॉज योर लाइव अपडेट फॉर इंट्राडे ट्रेडर, एंड ऑल द रजिस्टेंस आर विजिबल ऑन डेली एंड H4 टाइम फ्रेम, एंड दिस इज योर लॉन्ग टर्म साइकोलॉजिकल लेवल, एंड दिस इज योर न्यू साइडवे रेंज हॉरिजेंटल सपोर्ट एंड रजिस्टेंस. इफ दिस रेंज ब्रेकआउट ऑन ट्यूजडे देन यू कैन बाय रिटेस्ट एंड टेक्निकली 1860 लेवल, बट टू सेल अगेन वेट फॉर क्लियर ब्रेकआउट ऑफ दिस लोअर रेंज, देन यू कैन स्टार्ट सेलिंग अप टू 1676. So when this was going down almost in vertical line, this was the time when technical were not working. Last week on strong jolts report, when USD/JPY was crashed, that was the time when your fundamental were not working. Your calendar is still showing 2023, but 2024 has begun for money manager. That's why you saw after strong NFP number, after 3 retest of this trend line, it went up. And after this news, I think it came after market closing, CPI, PPI, inflation expectation have no value for me. They are now meaningless. So if one more hike is possible, then it will stay below 1860. Or after this news, July confirm again as your last rate hike, then it will go back to 1884.